अभी दास खुश हो ना, इतने दिन से बोल रहे थे कि रेस्टोरेंट में आना रेस्टोरेंट में आना, आज आके तो खुश हो ना। हाँ पापा। हाँ ठीक। आज पेट वेट तो साफ है ना, कैश वैस तो नहीं है ना? मुझे पता चला कि रास्ते में करने लग गए। पापा अच्छा अच्छा अच्छी यार पापा, हम लोग इतने महंगे रेस्टोरेंट में आए हैं, थोड़ा तो अच्छी तो रहो। अच्छा अच्छा एक्सक्यूज मी, कम हियर। क्या है वो यूनिफॉर्म का है? अरे सर, जब मैं कपड़ा धो रहा था उस टाइम मेरा कपड़ा फट गया, अब आप ही बताइए तो मैं क्या उसी। अच्छा ठीक ठीक, हमें मेन्यू चाहिए। मेन्यू वहाँ वो बहुत दूर है, तो व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, रिसीव कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर चल रहे फोसा है यहाँ? हाँ है। हाँ तो लेके आओ जाओ, और सांभर भी ले आना, चटनी मत ले आना। अरे पापा यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, ये इतना महंगा रेस्टोरेंट है। अरे इनको देख रहे हो, इनको देख के लगता है अभी ताको क्या खाना। हाँ पापा। कम ये हमें पिल चाहिए। अरे फेंक के कौन देता है, बिल की बात कर रहा हूँ। इतने का तो हम लोग नहीं खाए हैं। इतनी का है अच्छा। कैसे रेस्टोरेंट में ले आई हूँ? तुम्हें तो बोले कि रेस्टोरेंट में आना, रेस्टोरेंट में आना। तुम थोड़े बोले कि महंगे रेस्टोरेंट में आना है। बोला तो था। हाँ तो मैंने सुनी होगी। जी मैडम बोलिए। क्या आपको मैंने बुलाया? नहीं। बुलाया? बुलाया? नहीं। तो चाहिए ना। जय। इधर आइए आप। हाँ मैडम बोलिए। हम क्यों बोले? आप बोलिए, मतलब क्या 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 क्या, क्या है यहाँ? चिकन चिकन बिरयानी। हम लोग वेज हैं, ये मानो यही की चाहोगे। वेज में बताइए क्या क्या। कढ़ाई पनीर, बटर पनीर, पनीर टिक्की, पनीर मसाला, शाही पनीर, साग पनीर। चिकन बताइए क्या। हम आपको वेज में सिर्फ पनीर का सामान बताया क्या? और कितने सारे सामान होते हैं, जैसे इडली, थोसा, वेज बिरयानी? वो वेज पुलाव होता है। हमारी सीख वेज भी है। हाँ तो वही लेके आइए। क्या पुलाव? वेज बिरयानी। यार खाने क्या चाहिए ना, जल्दी चाहिए, मेहंदी लगा क्या पैर में? तो लीजिए भाई साहब। हाँ तो कितना हो गया? पापा ये भी ले दो। हाँ दे दो दे दो, उसको भी दे दो। हाँ तो अब कितना हो गया? 830 रुपए। हाँ तो ये लीजिए भाई साहब, इसमें रख दीजिएगा। और कितना हो गया? मम्मी ये भी ले दो ना। रख दो। हाँ तो भाई साहब कितना हो गया? प्लीज मम्मी ले दो ना। मम्मी प्लीज ले दो ना, प्लीज। हाँ तो ये भी दे दीजिए। हाँ आप बताइए कितना हो गया? 830। 830? परफ्यूम कितने का है? 150। इसको लड़की में जाएगा क्या परफ्यूम लगा के जो खेता है? हाँ भाई साहब आप बताइए कितना हो गया? अच्छा लग रहा है ना ये? उतना अच्छा तो नहीं लग रहा, मतलब इसकी डिजाइन और कलर भी नहीं अच्छा है। नहीं तुम पे नहीं अच्छा लगेगा। नहीं पापा लेकिन ये अच्छा तो लग रहा है। अच्छा भाई साहब ये इसका ओरिजिनल रेट है? हाँ सर। तो ज्यादा नहीं है क्वालिटी तो? अरे हाँ हाँ वो तो सब बोलते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ज्यादा है। अरे रहने तो बेटा, अच्छा हमको अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो है। ठीक है इसको दे, मैं सर की बात कर रहा हूँ। मम्मी टी शर्ट अच्छा लग रहा है, ले लो ना। ये अच्छा नहीं? ये वाला। ये क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि इसका रेट ज्यादा, इसलिए। अच्छा भाई साहब इसका ओरिजिनल रेट बताइए। 800।
ये 800 की टी शर्ट कौन सा एंगल सा ये 800 की टी शर्ट रखती है। देखिए देखिए हम लोग आपने भरोसा करके आए हैं क्योंकि पगड़ वाला दुकान नहीं खुला था, उठा वाला दुकान भी नहीं खुला था, हम लोग कल भी आते लेकिन आपने भरोसा करके हम लोग यहाँ आए हैं, इसका ओरिजिनल रेट बता दीजिए। पगड़ वाला दुकान तो खुला, आपको कैसे पता कि वो दुकान खुला है? वो मेरे भाई का दुकान है, मेरे को पता रहता है कि वो बंद है खुला। हाँ तो उसको हाथ से आके के सिर को नहीं वो दुकान बंद कर दिया है, इसका ओरिजिनल रेट बताइए। वो मैम चाहती हूँ 800, ये 800 की टी शर्ट नहीं है, इसका ओरिजिनल रेट बताइए। अच्छा आप कितने में चाहिए? 500 नहीं हो पाएगा, चलिए पापा 650 में लगा दो। बोरिंग हो मेरा हेल्पलाइन नंबर में फोन कर दूंगी। अच्छा ले लीजिए। तो मेरे को क्या फेंक रहे हैं, पैक कीजिए ना इसको। यूनिफॉर्म का है क्या अंकल? क्या अंकल सॉरी। अरे सर मैं जब कपड़ा धो रहा था ना तो मेरा कपड़ा फट गया, धो रहा था ना उसी टाइम फट गया। इतने का तो हम यहाँ यहाँ पढ़ क्यों लगा के ये पलून की यहाँ का लगा के रखा है, यहाँ यहाँ पलून का लगा देख लगा के देखते हैं क्या वहाँ चल ना तू किसे लगा दिया।